गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी है आज, सभी खूब मिठाई खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे घर में। ओके, तो कुछ पढ़ाई भी कर लेनी है, ठीक है। इन प्रीवियस वीडियो वी लर्नड अबाउट चैप्टर एट में पढ़ा हम लोगों ने स्टार्टिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है और आपका जो है कंप्यूटर तब स्टार्ट होता है। तो कुछ रिवीजन करते हैं इसका कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट पॉइंट था स्टार्ट करने का, कंप्यूटर स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई, ठीक है। तो आपका जो जहाँ से कंप्यूटर लगा हुआ है वायर एक प्लग पे, प्लग के द्वारा वहाँ स्विच है, स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड को आप जाके प्लग को स्विच ऑन करोगे। देन द नेक्स्ट स्टेप स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ यूपीएस, उसके बाद यूपीएस को आप स्टार्ट करते हो, इसका बटन ऑन करते हो। सेकेंड स्टेप में यूपीएस जो है वो आपका एक तरह का बैटरी है, अगर आपका आपके यहाँ बिजली नहीं है, कट गई है, तो ये कुछ देर तक आपके कंप्यूटर को चलाएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना रुकावट आपको पावर देगा। थर्ड इज स्विच ऑन योर मॉनिटर, उसके बाद आप मॉनिटर ऑन करोगे, जो आपका मॉनिटर है टीवी स्क्रीन के जैसा जो है उसे ऑन करोगे, यहाँ बटन होता है। नेक्स्ट स्टेप है नाउ स्विच ऑन योर सीपीयू, ये जो आपका सीपीयू है मदरबोर्ड है कहलाता है कंप्यूटर का, इसका जो पावर बटन है उसे ऑन करोगे, ठीक है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो कंप्यूटर पे आपका कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ओके, नाउ वेट फॉर द फॉलोइंग स्क्रीन टू अपेयर, उसके बाद थोड़ा वेट करना है, देन आपको क्या नज़र आएगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपका विंडो खुल जाएगा। नाउ यू कैन सी इट, आपका इस तरह का विंडोज़ जो डेस्कटॉप है ये खुल जाएगा, ये क्या है डेस्कटॉप है आपका, ये खुल जाएगा। देन स्टार्ट बटन है, आप इसे खोल के ऑप्शन आएगा जो आपको चलाना है आप चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार्ट मेनू खुलेगा, जो ऑप्शन है इसमें आप जाके एनीथिंग व्हाट यू वांट यू प्ले इट, जो भी आप चाहते हो आप चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि क्या क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर्स जो बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आइकन्स कहलाते हैं, ये हम लोगों ने जाना अभी तक। अब हम लोग जानेंगे कि पढ़ेंगे कि स्विच ऑफ कैसे करना है कंप्यूटर को। तो स्विच ऑफ करना करने का भी अपना रूल्स होता है, ठीक है। उन कुछ रूल्स होते हैं स्विच ऑफ करने के कंप्यूटर के, उन्हें फॉलो करके आप कंप्यूटर को सही ढंग से स्विच ऑफ कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स वी सी टू स्विच ऑफ अ कंप्यूटर, जब स्विच ऑफ करना है तो फॉलो द गिवन स्टेप, इन स्टेप को फॉलो करना है वन बाय वन। फर्स्ट इज क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन द स्क्रीन, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपेयर्स, रीड देम, एक लिस्ट जो है वो खुल के आएगा जब आप स्टार्ट बटन को दोबारा से दबाओगे। ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट टर्न ऑफ कंप्यूटर ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा, स्टार्ट मेनू जो आप दबाओगे यहाँ पे लिखा होगा क्या, टर्न ऑफ या सेटिंग शट डाउन, लुक एट हेयर, यहाँ पे शट डाउन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे ही आपको क्लिक करना है। ओके, देन नाउ वेट फॉर फॉलोइंग मैसेज टू अपेयर, थोड़ा सा वेट करना है, हाफ या वन मिनट आपको वेट करना है, देन यहाँ पे जो है आपका सर्कल टाइप का घूमना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आपको ब्लिंक करेगा शटिंग डाउन। ओके, यानी बंद होने का प्रोसेस में है, अब बंद होने वाला है,
नेक्स्ट इज नाउ स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ मॉनिटर। आपका स्क्रीन बंद हो चुका है, ये आपका बंद हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल भी, और आपको मॉनिटर के स्विच बटन को दबा देना है, पावर बटन को। ओके, नेक्स्ट इज स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ सीपीयू। सीपीयू के पावर बटन को आपको दबाना है, ये ओके ये जो आपका है। स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ यूपीएस, देन यूपीएस का बटन जो है उसे दबाना है। ओके, नाउ फाइनली स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई। मेन पावर सप्लाई का जो बटन है उसे लास्ट में, सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका है मेन स्विच ऑफ पावर बटन, स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन आपको दबाना है। इसके बाद जो है आपका टोटली जो है कम्प्लीटली आपका कंप्यूटर शट डाउन हो चुका है, ठीक है, बंद हो चुका है। तो ये जो स्टेप हैं बंद करने के स्टेप, वो स्टार्ट करने के स्टेप से बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे ये बटन आपका जो है पहले आता है जब आप स्विच ऑन करते हो, नेक्स्ट आता है मॉनिटर, मॉनिटर बटन, नेक्स्ट जो है आपका सॉरी यूपीएस बटन दबाना रहता है। तो इसमें भी है आपका लास्ट सेकेंड ऑप्शन एंड देन सीपीयू ऑफ करना है। तो इस स्टार्टिंग में आपको सीपीयू ऑन करना था, ठीक है, तो ठीक इसका उसका ऑपोजिट ये जो है स्विच ऑफ करने का आपका ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन अधिक बढ़ जाता है जो कि है आपका ये स्टार्ट मेनू पे जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे शटिंग डाउन शट डाउन ऑप्शन आएगा, ये क्लिक करना है आपको, तभी आपका शट डाउन होगा। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ शट डाउन। टुडे वी लर्न अबाउट, ठीक है, आज हम लोगों ने जाना कि स्विच ऑफ कैसे करते हैं, इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने जाना कि स्विच ऑन कैसे करते हैं। ओके, सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। इन शॉर्टकट में आप इसे पढ़ेंगे, अ कंप्यूटर फॉलो अ सेट पैटर्न ऑफ कमांड। कंप्यूटर जो है कमांड जो दिया हुआ रहता है उसको फॉलो करने के लिए कहता है। द स्मॉल बटन ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन, जो छोटे बटन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आइकन्स कहते हैं। कर्सर इंडिकेट दैट द कंप्यूटर इज़ रेडी फॉर वर्क, जो आपका कर्सर ब्लिंक करता है डेस्कटॉप पे तो क्या उसका मतलब ये है कि आपका मॉनिटर है, कंप्यूटर जो है वो वर्क करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। मॉडर्न कंप्यूटर आर इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, मॉडर्न कंप्यूटर जो है आधुनिक कंप्यूटर वो प्रकृति में कैसा है, विद्युतीय है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाला है, विद्युत से चलने वाला, बिजली से चलने वाला है, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसर, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू। Now today's homework is write the switch on a computer. Okay, write the process of switch on the computer. ये जो process है ये आपको लिखना है, ठीक है, step by step in your school copy. Okay, now take care and goodbye and enjoy, happy Janmashtami.